दोस्तों, आज मैं स्टूडेंट लाइफ की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ जो स्टूडेंट्स को बहुत कमज़ोर बना देती है, जो स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए रोक देती है और जिससे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में ध्यान भी नहीं दे पाते। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस टेंशन की, मैं बात कर रहा हूँ उस कम मार्क्स की जो स्टूडेंट्स को कमज़ोर बना देते हैं। आपने एक बार अगर स्टडी की है, आपके अच्छे मार्क्स आ गए हैं और दूसरी बार आप कर रहे हो तो आप गिर गए। मैंने कहा, एक बार आपने अच्छे से मार्क्स ले लिए हैं, आप बहुत अच्छे पास हुए हो, लेकिन अगली बार अगर आपने टेस्ट दिया या आपने एग्ज़ाम दिया, आप उतने अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए या फिर आप फेल हो जाते हो, तो आप क्या करते हो? अपने दिल पे वो चीज़ ले लेते हो। कुछ होते हैं बेफिक्र, वो इन चीज़ों को नहीं देखते, वो बस ये देखते हैं चलो आ गए हैं, जैसे भी हैं वैसे भी हैं, हम कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ होते हैं सॉफ्ट हार्टेड, जो इस चीज़ को बहुत दिल पे ले लेते हैं। कई तो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम एक बार गिरे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम आगे और बढ़ेंगे, हम और अच्छे से करेंगे। लेकिन कुछ इस बातों को दिल पे ले लेते हैं और इतना कमज़ोर अपने आप को बना लेते हैं कि अगर हम एक बार गिर गए, समझो हमें आगे कुछ आता ही नहीं। और वो ऐसे बन भी जाते हैं कि अगर अगली बार वो सोच भी लें कि हमने पढ़ना है और पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, वो तब तक वो इन चीज़ों को सफल नहीं बना पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक वो अपनी उन चीज़ों को पीछे ही छोड़कर नहीं आते जो वो कराए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे सीखना पीछे छोड़ाओ, अगर आपने वो गलती की है तो वो सीख अपने लिए बना के रखो, लेकिन अगर वो गलती को आप अपने साथ ले आए, आगे भी ले आए, तो वो चीज़ें भूलेंगी नहीं। आप इतना अपने माइंड में रखो कि अगर आपने जो गलती की थी उसके पीछे आपने क्या सीखा है, वो सीख आपने अब फ्यूचर में अपनानी है। अब अपने माइंड में एक चीज़ याद रखो कि जो आपने आज करोगे, जो आप आज अपने अपने हाथ में रखा हुआ है, वो आपका कल बनेगा। यानी अगर आज आप अपने पास के बारे में सोच रहे हो तो आने वाले कल में भी ऐसी चीज़ें करोगे, यानी जो आज करोगे वही आपका पास बनेगा, फिर आप उदास होगे। अगर आपका पास एक बार खुशी से बीत रहा है तो आप उसे क्यों उदास कर रहे हो? अगर एक बार उदास बन भी गया तो उस पल को काट दो बीच में से, उन पलों को सीखने के लिए लगा दो या फिर बिल्कुल ही भूल जाओ। अपने उन पलों को याद करो जिससे आप खुश थे। आपने एक बार अगर टॉप किया है या अच्छे मार्क्स लिए हैं, दूसरी बार गिर गए हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गिरे हुए चीज़ों को याद रखो। गिरे हुए चीज़ों को तब याद रखो अगर आपने उठना है। अगर आपने उठना नहीं है तो आप उन चीज़ों को याद भी मत करो। आप सिर्फ फिर उन चीज़ों की ओर ध्यान दो कि हाँ, मैं उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा था पहले, मुझे भी अब फिर से ये करना होगा, मुझे फिर उठना होगा, फिर आप उठ पाओगे। लेकिन अगर आप एक बार गिर रहे हो तो गिर कर ही बैठ जाओगे। ऐसे हम करते भी हैं। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर 10th पास हो गए हैं तो न्यू क्लास आई है, +1 न्यू लाइन है आपके लिए, और वहाँ पे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इफ़ेक्टेड हो जाते हो। और कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि शायद 10th तक तो हमने कर लिया, आगे हम नहीं कर सकते। वो अपनी सोच बदल देते हैं और सोच इतनी बदल देते हैं कि आगे बढ़ने की बजाय, आगे अपने आप को अच्छे मार्क्स और अच्छे लेने से बजाय नीचे गिरना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके +1 में अच्छे मार्क्स नहीं आए, आप ये सोचते हो कि पता नहीं हम +2 नहीं कर पाएंगे, +2 में अब नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों सोचते हो दोस्तों? या +2 में अच्छे मार्क्स नहीं आए, अब हम ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे? क्या ये आपके हाथ में लिखा है कि अगर आपने एक बार अच्छा नहीं किया तो आने वाले समय में आपका अच्छा और नहीं होगा? ये आपकी सोच है कि आप ऐसा सोचते हो। अगर आपने ये सोच लिया कि भाई आने वाला कल आप अच्छा बनाओगे, आपके हाथ में है वो कल। हाँ, बेशक अनसर्टेन, आपने कहा हुआ है कि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, लेकिन अगर आपने अनसर्टेन कहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप एफर्ट्स करना छोड़ दो, आगे बढ़ना छोड़ दो। आपको ये याद रखना है कि आज आप जो करोगे ना, वो आपका पास अच्छा बनाएगा, और आज जो आप अच्छा करोगे वो आपके एफर्ट्स फ्यूचर अच्छा बनाएंगे। और फ्यूचर अगर आपने सिक्योर बनाना है तो आज कुछ करना होगा। सो दोस्तों, कुल मिला के बात यही आती है कि पास्ट भी छोड़ो, फ्यूचर भी छोड़ो, लेकिन सिर्फ पास्ट
में अच्छी यादें याद रखो और आने वाले समय को टारगेट बना के रखो, तब आप प्रेजेंट में जी पाओगे। मैं हमेशा ये बात कहूँगा, पास्ट में अच्छी यादों को, प्रेजेंट में एफर्ट्स को और आने वाले समय में टारगेट्स को अपने माइंड में बिठा कर रखो, तभी आप ज़िंदगी में अपने आप को अच्छे से जी सकते हो, तभी आप ज़िंदगी में अपने आप को अच्छा बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, सो ये सोच अपने माइंड में रख लो। जो भी ये सोचते हैं कि एक बार हम गिर गए, समझो हम गिर गए, उनके लिए मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि दोस्तों ये चीज़ें भूल जाओगी, अगर आप गिरे हो तो कभी उठ नहीं सकते। एक बार गिरे हो तो उठ के दिखा दो, वो बंदा ही बहुत अच्छा माना जाएगा, वो इंसान बहुत अच्छा माना जाएगा, वो स्टूडेंट बहुत अच्छा माना जाएगा, एक बार जो नीचे गिर कर उठ के दिखाएगा, उसकी ही एक मिसाल बनेगी। सो अपने आप को एक मिसाल बनाना है तो इन चीज़ों की ओर ध्यान देना भूल जाओ कि क्या बुरा हुआ था। सो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पास्ट में जो हुआ है उनकी अच्छी यादों को याद रखो, प्रेजेंट में सिर्फ एफर्ट्स बनाओ और आने वाले समय में अपनी टारगेट्स की ओर देखो।